आई होप यू लाइक द प्रीव्यू। वीडियो शुरू करने से पहले एक सजेशन देना चाहूंगा, ये वीडियो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, सो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। और इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं, सो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलना। ऑल्सो वी आर मेकिंग अ मिनी वेब सीरीज नेम्ड एज द ग्रेट साइलेंस, जिसमें हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। सो वहां ट्राई करने से पहले वी थॉट क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, जस्ट टू टेस्ट आवरसेल्फ। सो हियर वी मेड दिस टाइम ट्रेवल वीडियो। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो प्लीज लेट अस नो इफ यू हैव एनी डाउट्स और सजेशन, बेसिकली इट विल हेल्प अस इम्प्रूव। लास्टली थैंक यू एंड होप यू एंजॉय द वीडियो। एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा धीरे बात कर सकते हैं? आई एम ट्राइंग टू वर्क ओवर हियर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भाई, एयरफोन की वजह से मुझे पता नहीं चला कि मैं इतना लाउडली बात कर रहा हूँ। बेसिकली वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी बहन है जो USA में पढ़ती है। काफ़ी दिनों बाद उसने कॉल किया तो हंसी मजाक चल रहा था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली क्या है ना, मैं काफ़ी टाइम से कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लाइमैक्स तक पहुंच चुकी है, लेकिन एक वो जो परफेक्ट एंडिंग होती है ना, मुझे वही नहीं मिल पा रही। एंड क्या है ना, मुझे थोड़ी शांति की जरूरत होती है, तो फिर एक सेकंड। हेलो बाय, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है बाय। अच्छा इज इट ओके अगर मैं ये कहानी आपको सुनाऊँ? क्या आप मुझे एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे सकते हो इसके ऊपर? डेफिनेटली। कुछ साल पहले मैंने भी मेरी लाइफ की कहानी किसी स्ट्रेंजर को सुनाई थी, उन्होंने भी बड़े प्यार से सुन ली थी। ओके सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात, इस कहानी में मैंने अपने आप को ही हीरो रखा है। एंड सेकेंडली, ये कहानी बड़ी ध्यान से सुनना, वरना पूरा बाउंसर चला जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके सो मैंने इससे पहले किडनैपर को देखा नहीं था। उसने मेरे लिए एक नोट लिख कर रखी थी जिसमें लिखा था, देयर इज वन थिंग यू शुड नो अबाउट मी, I'm about to break the way the predestination effect works and you're gonna help me in it. Don't panic. Just read the data on the wall and you will understand everything.
टाइम ट्रैवल करके गलती से गलत जगह पर चला गया था। आखिरकार काफी भागा दौड़ी करने के बाद मैं सही समय पर एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुंच गया एंड आई रियलाइज्ड टाइम ट्रैवल इज रियल। मैंने आराध्य को वहां पर अपने साथ जिंदा देखा। इट वॉज ट्रूली अ मिरेकल। उसे बचाने का एक और मौका था अब मेरे पास। लेकिन मैंने आराध्य के साथ साथ वहाँ अपनी और दो कॉपीज़ को देखा एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्लान ए और प्लान बी जो थे वो उन दोनों ने ही अटेम्प्ट किए थे। किडनैपर भी उनमें से ही कोई एक था जिसने प्लान बी फेल होने के बाद प्लान सी बनाया और मुझे किडनैप किया। प्लान सी बड़ा ही जीनियस था। मुझे टाइम ट्रैवल करके आराध्य को वहाँ से गाड़ी आने से पहले ही निकालना था और किडनैपर को वो गाड़ी ढूंढ कर उसे वही बिगाड़ देना था ताकि गाड़ी बच्ची के आसपास भी आ ना सके। कोइंसिडेंटली गाड़ी वही पास में खड़ी थी। उसने गाड़ी के नीचे जाकर कुछ वायर्स कट कर दिए और इसी के साथ साथ प्रीडेस्टिनेशन इफेक्ट टूटने की कगार पे खड़ा था। एक सेकंड बाय। आई एम सो सॉरी, आई एम फुल कंफ्यूज। आप मुझे बता सकते हो प्रीडेस्टिनेशन क्या था? मान लीजिए दुनिया में जंगली बिल्लियों की काटने के कारण कोविड जैसी एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैल गई। आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हो और सारी जंगली बिल्लियों को मारने की कोशिश करते हो इसी उम्मीद में कि ये जो बीमारी है वो फैलने से पहले ही रुक जाए। लेकिन कुछ बिल्लियाँ गुस्से में आकर कुछ इंसानों को काट देती है और वो जो बीमारी है वो वहीं से फैलना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस बीमारी को रोकने की कोशिश ही नहीं करते तो वो बीमारी कभी फैलती ही नहीं। ओह शिट। भाई प्लीज़ कंटिन्यू कर लीजिए। गाड़ी बिगड़ी है या नहीं इस बात को किडनैपर को कन्फर्म करना था। कुछ जुगाड़ लगाकर वो गाड़ी के अंदर चला भी गया और उसने गाड़ी स्टार्ट भी कर ली। बट टू हिज सरप्राइज गाड़ी चल रही थी। उसने थोड़ी देर के लिए गाड़ी चलाने की कोशिश की इसी उम्मीद में कि वो गाड़ी कहीं पर जाके बंद पड़ जाए। लेकिन उसने जो वायर्स कट किए थे ना उससे गाड़ी कभी बिगड़ने वाली थी ही नहीं। उसने गलती से गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए। ग्रेट स्टोरी यार, एक कहानी किसी पिक्चर की तरह लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसने प्लान डी बनाया था। प्लान डी द एनवलप, वैसे वो एनवलप था कहाँ और उसमें क्या था? एक्चुअली एनवलप हमेशा टाइम मशीन के नीचे ही था। किसी और ने नहीं देखा उसे, इसने देखा जिसने प्लान डी बनाया था। ओके। एंड डू यू रियलाइज आपकी कहानी में दो अलग डायमेंशन है। डे वन आराध्य का एक्सीडेंट होने के बाद सूरज का फ्यूचर डिसाइडेड था। उसको प्लान ए बी बनाना था और टाइम ट्रैवल करना था। करेक्ट। बट प्लान बी फेल होने के बाद उसने अपने आप को एक्सीडेंट वाली लोकेशन से किडनैप कर लिया, अपना फ्यूचर अपनी रियलिटी चेंज कर ली। टेक्निकली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी स्टोरी में टाइम ट्रैवल जैसा फिक्शन है सो मान लेते हैं उसका जो फ्यूचर चेंज हुआ वो किसी अलग डायमेंशन में अलग रियलिटी में चेंज हुआ। हो थैंक्स अ लॉट यार, मैंने ये सब सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ कहानी में हो सकता है। और मेरा रिव्यू, जैसा मैंने कहा आपके स्टोरी में साइंस फिक्शन है, साइंस की कोई लॉ इसे अलाउ नहीं करेंगे। बट आई वॉन्ट टू बिलीव ये कहानी सच है, किसी की लाइफ में हुई है। इमेजिन हाउ फैसिनेटिंग एंड ट्रेजिक इट वुड बी। वेल डियर, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया। आई रियली अप्रिशिएट दिस। इनफैक्ट जब मैंने आपको पहली बार देखा आई थॉट मैंने आपको इससे पहले ही देखा है। नहीं, एक्चुअली मैं रिलैक्स करने के लिए यही आते रहता हूँ। आपने शायद मुझे यही कहीं देखा होगा। एनीवे आई हैव टू लीव नाउ। आई होप
कि आप आपकी कहानी पूरी करके जल्द से जल्द पब्लिश कर दें। डेफिनेटली मैन, इनफैक्ट आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया है मुझे, आप कहानी ख़त्म है ऐसे ही समझ लीजिए। ओके, टेक केयर बड़ी। श्योर, थैंक्स बड़ी, थैंक्स अ लॉट। और घंटी भी बजा देना। ओके, गुड बाय।